Class 9th English book Beehive, इसकी poem 9, The Snake Trying, इसके question answers को देखते हैं. First question is, what is the snake trying to escape from? Snake जो था इस poem में बताया, वो किस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहा था? Answer is, the snake is trying to escape from the pursuing stick. तो pursuing stick कौन सी थी? एक stick थी जो उसका पीछा कर रही थी. कोई व्यक्ति उसको मारने के लिए डंडी लेके जो पीछे लगा हुआ था वो उससे बचने की कोशिश कर रहा था. क्वेश्चन नंबर 2, इज़ इट अ हार्मफुल स्नेक, व्हाट इज़ इट्स कलर. तो ये जो स्नेक था क्या ये हार्मफुल था और उसका कलर क्या था? आंसर इज नो, इट इज़ नॉट हार्मफुल, इट इज़ अ ग्रीन स्नेक. और हार्मफुल था या नहीं इसका आंसर है कि नहीं, वो हार्मफुल नहीं था और साथ ही उसका जो कलर था वो था ग्रीन. क्वेश्चन नंबर 3, द पोएट फाइंड्स द स्नेक ब्यूटीफुल, फाइंड द वर्ड्स ही यूजेस टू कन्वे हिज इट्स ब्यूटी. पोएट को लगता है कि ये जो स्नैक है ये बड़ा ही ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है. तो अब उसकी स्नैक की ब्यूटी बताने के लिए पोएट ने कौन से वर्ड्स यूज़ किए हैं वो बताइए. आंसर इज द पोएट यूजेस द वर्ड्स ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल टू कन्वे इट्स ब्यूटी. पोएट ने जो वर्ड यूज़ किए हैं वो है ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल, ये बताने के लिए किसकी, उस स्नैक की ब्यूटी बताने के लिए उन्होंने ये वर्ड यूज़ किए हैं पोएम में. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट विश फॉर द स्नेक, पोएट क्या विश करता है उस स्नैक के लिए. आंसर इज द पोएट विशेस अ सेफ एंड फ्री लाइफ फॉर द स्नैक. पोएट चाहता है कि कोई उसे परेशान ना करे, वो सुरक्षित चला जाए. तो वो क्या चाहता है, सिर्फ ये चाहता है कि स्नैक को एक सेफ और फ्री लाइफ मिले. क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वॉज द स्नैक बिफोर एनी वन सा इट एंड चेस्ड इट अवे, वेयर डज द स्नैक डिसअपियर. तो जब स्नैक को देखा गया तो वो कहाँ पर था और फिर स्नैक कहाँ पर गायब हो गया. आंसर इज द स्नेक वॉज लाइंग ऑन द सैंड, स्नैक कहाँ पर था, सैंड पर था. इट डिसअपियर्ड इन द रिपल्स ऑफ वाटर अमंग द ग्रीन रीड्स. और ये जो स्नैक है, ये जो रिपल्स बनती हैं वाटर में या जो भंवर जैसी बनती हैं, उससे होता हुआ कहाँ पर पहुँच गया, अमंग द ग्रीन रीड्स, जो जंगली, जो पानी के अंदर जो वेजिटेशन होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर वो जाकर छिप जाता है, गायब हो जाता है. ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन इस पोएम के बहुत इंपॉर्टेंट हैं. होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. ओके, थैंक यू.